अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बजीज वर्ल्ड। तो यार आज एपिसोड दूसरे की हम बात करते हैं, सेकंड एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि आपने किस तरह से बर्ड्स को परचेज करना है, क्या क्या तरीक़ेकार होता है। अब सपोज करें कि आपको बर्ड्स को लाए हुए एक हफ़्ता हो चुका है और एक हफ्ते के बाद अब आपने क्या करना है कि इनको अलग करना है, इनकी पेयरिंग करनी है। लाजमी सी बात है, मैं इन सबको अलग अलग पेयर करके तो नहीं आपको दिखाऊंगा। तो मैंने आपको कहा था कि मैं एक पेयर को इनमें से सिलेक्ट करूंगा और उससे आपको ब्रीड लेके दिखाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगा जो मैं इनके साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम करता जाऊंगा। सेकंडली कि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि यार आप रेगुलर वीडियोज़ नहीं डाल रहे, आपने बोला था। तो यार मैंने बोला तो था, लेकिन रेगुलर वीडियो में वही दाना पानी की वीडियो होती कि दाना चेंज कर रहा हूँ, पानी चेंज कर रहा हूँ, तो उस पर भी काफ़ी लोगों को फिर इख्तलाफ होता कि एक फजूल सी वीडियो में डाल रहा हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको स्टेप बाय स्टेप काम की चीज़ें जो होंगी वो मैं आपको वीडियो उसकी बना के दिखाता रहूँ। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे करना चाहूँगा कि अगर आपके पास कॉकटेल्स पड़े हैं, जैसा कि यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है इनबॉक्स का कि आप मुझे मैसेज कर सकते हैं यूट्यूब में ही, तो अगर आप लोगों के पास पेयर मौजूद हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कॉकटेल्स के क्रीम जिसके अंदर क्रीम वगैरह ये सब नस्लें आ जाती हैं, तो अगर आपके पास कॉकटेल्स मौजूद हैं तो मुझे लाजमी बताइएगा मुनासिब कीमत, और पट्ठे मुझे चाहिए तो तकरीबन 3 से 4। तो अगर आपके पास हों तो कमेंट भी कर सकते हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं, वीडियोस भी भेज सकते हैं, तो मैं खुद आके अगर मुझे सही लगे तो मैं ले लूँगा। बाकी अभी हमने क्या करना है कि इनमें से क्वालिटी चेक निकालना है। एक पेयर है जो मैं निकालूंगा इनमें से और उसको अलग करके आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगा कि आपने स्टार्टिंग किस तरह से करनी है। तो यार मैंने एक पेयर निकाल लिया है इसका, और मैंने आपको लास्ट प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें बता दिया था कि आपने पेयर किस तरह से ख़रीदना है, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट स्टेप अच्छा होगा तो उसके बाद ही आपका आगे वाले सारे स्टेप्स अच्छे होंगे। इस चीज़ का आप एक ध्यान रखिएगा कि आप जो चीज़ परचेज़ कर रहे हैं उससे आपने ब्रीड लेनी है, और क्वालिटी ब्रीड के लिए आपको एक क्वालिटी चेक लेना, क्वालिटी पेयर लेना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी। सेकेंडली ये कि वो भाई जिन्होंने मार्केट से परचेज़ नहीं किया, उनके घर में बच्चे निकले और वो चाहते हैं कि वो क्वालिटी चिक्स जो हैं वो अलग करें, उनसे ब्रीड लें, उनकी कॉलोनी बनाएं, तो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप देख सकते हैं वो वीडियो, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। दूसरी बात यहाँ पे मैंने ये करनी थी कि यार आप दो तरह से बर्ड्स को रख सकते हैं। अगर आप पेयर ज़्यादा लेके आए, तकरीबन 3, 4, 5 पेयर लाएँ, तो आप उनको कॉलोनी में छोड़ दें। कॉलोनी में ब्रीड इनकी ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल केज, बट मैं एक पेयर की बात कर रहा हूँ, तो मैं एक पेयर का भी आपको बताता रहूँगा और साथ ही साथ कॉलोनी की भी हिंट्स और टिप्स देता रहूँगा ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप कॉलोनी में बर्ड्स को रखना चाहते हैं तो आपने 3 पेयर उठा के वहाँ रख दिए, और अगर आप इंडिविजुअल रखना चाहते हैं तो आपने एक साफ़ सुथरा पेड़ निकाला, साइज़ जिसका अच्छा हो, आपने उसको एक ऐसे केज में रख देना है जहाँ पे हांडी ना लगी हो कोई भी, हांडी के अलावा जहाँ पे कोई गंद वगैरह ना हो, और सेकंडली ये कि जहाँ पे आपके उसके बर्तन वगैरह और इजीली आप पहुँच सकें। मैं इसको नीचे भी रख सकता था, कोशिश करिएगा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि तोते को जितना स्टार्टिंग में आप ऊपर रख सकते हैं रखें, जितना नीचे रखेंगे वो उतना डरना शुरू हो जाएगा। एक तोतों की थोड़ी सी आप कह सकते हैं आदत थी कि अगर आप उन्हें एक तोते को यहाँ रखेंगे, एक तोते को सबसे ऊपर रखेंगे, तो सबसे ऊपर वाला जो तोता होगा, वो जो पेयर होगा, वो सबसे अच्छी ब्रीड करना स्टार्ट कर देगा और सबसे पहले ब्रीड करेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आपने यहाँ पे कुछ रखा हुआ है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कोशिश करें कि जो आपका केज है वो आप किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर ज़्यादा लाइक लोग ना आते हों, या जहाँ से तोता आपकी डायरेक्ट शक्ल के आपके पाँव ना देखे। इन शॉर्ट ये समझाना था मैंने आपको। तो मेरे पास तो ये केज पड़ा हुआ है, छत पर कोई आता नहीं है, तो ये केज इन लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। तो अभी हम इनको अंदर डालते हैं। तो यार अब क्या करना है कि दो जो आपका मेल और फीमेल आपके हाथ में है, इनको आपने आराम से इसके अंदर ये डाल दिया, छोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, अब छोड़ने के बाद अब यहाँ पे वो बात आती है जिसका आपको शायद इंतज़ार हो कि एक हफ़्ता मैंने आपको मना किया था कि आपने इनको किसी भी किस्म का सॉफ्ट फूड, किसी भी किस्म का आपने इनको दाना या किसी मतलब किसी भी किस्म का सॉफ्ट फूड नहीं देना या ग्रीन्स नहीं देना, मतलब लूसन वगैरह नहीं देना, क्योंकि स्टार्टिंग में होता है कि बर्ड्स को मोशन लग जाते हैं। आज एक हफ्ता कंप्लीट हो गया, तो आज आप इनको लूसन दें, और लूसन देने के लूसन दें या कोई चावल दे दें जो आपका दिल करे दें, और दो दो दिन के गैप के बाद इनको वो सब चीज़ें दें जो आप अपने नॉर्मल बर्ड्स को देते हैं, फॉर एग्जाम्पल चावल, लूसन, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर आपने केज लगा लिया है, मतलब केज में बर्ड्स को डाला है, तो कभी भी आपने हांडी नहीं लगानी। हांडी स्टार्ट में बिल्कुल बहुत अगर आप जल्दी लगा लें तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान आपको होता है, मैं आपको वो नुकसान बता देता हूँ।
अब मैंने हांडी लगाई नहीं है तो ये कहीं पे छुप नहीं सकते, इनको मजबूरन मेरे सामने स्टिक पे बैठना पड़ेगा। और थोड़ा सा जब ये पास आएंगे मीटिंग करेंगे, फिर मैं जब इनके हांडी लगा दूंगा तो ये हांडी में ब्रीडिंग की गर्ज से जाएंगे, हांडी में अंडे देने की गर्ज से मादी जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं अभी इन हांडी लगा देता हूँ तो मसला ये होगा कि ये मुझसे डरेंगे और डरने की वजह से तोता तोती मतलब जो मेल और फीमेल दोनों हांडी में छुप जाएंगे। हांडी में बैठने की इनको इतनी आदत पड़ जाएगी कि ये ब्रीड करें ना करें ये हांडी में ही आपको हटबक दिखेंगे। आप जैसे छत पे आएंगे ये आपको हांडी में घुस के दिखा देंगे। और इससे क्या होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान ही होता है कि अगर आपने बहुत जल्दी हांडी लगा दी है तो फीमेल जो है वो ब्रीड नहीं करती, वो सिर्फ अपने आप को छुपाने के लिए हांडी में बैठी रहती है और आपको लगता है कि शायद ये ब्रीड कर दे, जिसकी वजह से उसे चर्बी लग जाती है बहुत आसानी से। तो आपने इनको अब कम से कम भी 2 महीने, 1.5 से 2 महीने आपने इनको छेड़ना नहीं है, ये बड़े होने दो, इनका पेयर खुद ही लग जाएगा इंशाल्लाह। खेलना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, घर के बच्चे हैं, तो 1.5 महीने में आप देखेंगे इंशाल्लाह ये कुछ ना कुछ कर देंगे। तो यहाँ तक के लिए वीडियो थी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें। देखते रहें बजीज वर्ल्ड। अल्लाह हाफिज़।